नमस्कार, अभी मैं हूँ दुल्हेपुरा गांव में और ये बात करेंगे इस थाने विधायक जी का गांव है और इनके घर पे आज टिकट की जैसे ही घोषणा हुई इनके कार्यकर्ता है वो बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। जानने की कोशिश करेंगे पार्टी ने एक बार फिर इन्हीं पे दाव खेला है। और जैसे बात करें आप देखेंगे लोग जैसे ही लोगों को सूचना लगी लोग इनके गाँव पहुँचे, इनको बधाई देने के लिए पहुँचे। हेलो भाई, मेरी दो मिनट बाद सुन लो, सारी बात बता दू। फर्नीचर जो को परेशक आए थे दिल्ली से, वो मैंने मायला कमरा बुलायो कहते भाई के बैठो बैठो के चक्कर दे कि नहीं चाहो जो जो मैं बोले कि भाई अब बात पूछ बताओ दो मिनट को टाइम दो। मैंने मैं बोले कि 93 का मान महादेश निर्दलीय जीता, 50 करोड़ रुपया दे था मंत्रिमंडल दे रहा था, मंत्री के ठोकर मारी 50 लाख के ठोकर मारी, फिर 18 का मानी चुनाव टिकट को नहीं मिली और चुनाव लड़े हो। मैं बोले कि नगर पालिका बोर्ड लिंगेश्वर बनायो, अरे खंडेला बनायो और पंचायत समिति को प्रधान बनायो। अब वो खोले यार वो पूछ वाली बात है के आई मुझे कोई पूछ वाली बात है के तो भाई अब आज कि आज भी आपकी जगह नहीं हो से हम अपनी जीत को ना ये जनता की जीत है, महादेव सिंह जीत नहीं है, आप लोगों की जीत है, आपकी लोगों की जीत है, इनका कर्म था आपकी जगह से लिया, आपको टिकट मिली और आगे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम 30,000 से वोटिंग जीता और मुड़ो दिखावा समर्थकों में काफी लहर है। पिछली बार आप निर्दलीय चुनाव मैदान से जीते थे, कैसे देखते हो टिकट की खुशी तो होगी, समर्थकों की काफी संख्या में भीड़ है, क्या मैसेज देना चाहूंगा खंडेला? मैं ये कहना चाहता हूं कि अंतरात्मा से मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में मेरी आस्था है, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, अशोक गहलोत जी हमारे नेता हैं, मैंने हमेशा कांग्रेस में रहा हूँ। सर 80 में चुनाव जीतने लगा था, 80 में जीत गया था, 85 में जीत गया था, 93 में टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय जीत के कांग्रेस में रहा था और फिर 98 में जीत गया, 3 में जीत गया, 2008 में चुनाव हारा तो 4 महीने बाद में लोकसभा में 1.5 लाख से जीत के MP बना था, सेंटर में मिनिस्टर बना, मनमोहन जी की सरकार में सोनिया गांधी और राहुल जी ने मेरे को मिनिस्टर बनाया था। अरे कांग्रेस में मेरी आस्था रही है, किसी भी कारण से टिकट छूट गई तो मेरे को पार्टी ने टिकट दे दी, पार्टी मेरी आस्था है, मेरे नेताओं ने मेरे पे भरोसा किया है, उस मेरे भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा। आपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर पार्टी ने टिकट दिया, दाव बड़ा खेला है आपकी बार आप पे। मैंने इसलिए कहा था कि जब हमारी मीटिंग हो रही थी प्रेम से कहे थे तो मेरे इलाके के नौजवान बच्चों ने ये कहा था कि अब की बार चुनाव गिराज को आपके बच्चे को लड़ाएंगे, यूथ को लड़ाएंगे, तो मैंने ये कहा था कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चुनाव लड़े, यूथ लड़े, यदि आप चाहते हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और गिराज को ही चुनाव लड़ेंगे, ये कहा था वो। तो देखेंगे जैसे ही टिकट की घोषणा हुई है इनके समर्थक हैं यहाँ पहुँचे हैं और जैसे बात करेंगे काफी लोग हैं। जनता